सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A8 स्टार के बारे में। तो आज इसे सैमसंग ने इंडिया में चुपचाप से लॉन्च कर दिया है। आज किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फ़ोन आज इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन सैमसंग ने इसे चुपचाप से आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये फ़ोन सेल में जाने वाला है 27 अगस्त से। अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप अमेजोन में जाके 27 अगस्त से ये फ़ोन को आप बाय कर सकते हैं। फ़ोन काफ़ी डिफरेंट है सैमसंग के दूसरे फ़ोनों के मुकाबले, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है सैमसंग के दूसरे फ़ोनों से, क्योंकि इसमें आपको वर्टिकल टाइप से बैक, मतलब जैसे कि आईफोन 10 में आपको कोने में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो सैमसंग के स्मार्टफोन थे उसमें आपको एक ही टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको थोड़ा अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगा, तो एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए अगर आप लोग कुछ नया डिज़ाइन चाहते थे सैमसंग की तरफ से। तो डिज़ाइन तो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन शायद प्राइस सुनने के बाद आपका दिल टूट भी सकता है। जी हाँ, फ़ोन के स्पेस की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 6.2 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि 18.5:9 स्क्रीन एक्सपर्ट के साथ आएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हमारे आपको कमाल की मिलने वाले, डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बैक में ग्लास यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर की, तो इसमें यूज़ किया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। वो चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। 6 GB का रैम मिलेगा, 64 GB की हम लोग को इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है 6 GB 64 GB, जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। बैक में आपको देखने को मिलेगा डुअल कैमरा का सेटअप, 16 MP प्लस 24 MP का डुअल रियर कैमरा। जी हाँ, 16 प्लस 24 MP का डुअल रियर कैमरा, और फ्रंट में 24 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक कैमरा सेंटर का स्मार्टफोन है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको कमाल की कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक अच्छा खासा कैमरा इसमें देखने को मिल जाएगा। कैमरा में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड्रॉइड का ऑडियो मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0 के साथ आएगा। इसमें आपको एंड्रॉइड 8.0 मिलेगा, ना कि 8.1। अगर 8.1 मिलता तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। आप लोगों का भी यही राय होगा कि एटलीस्ट लेटेस्ट वर्जन देना चाहिए था। 3700 mAh की हमारे आपको बैटरी मिलेगी। जी हाँ, 3700 mAh की हमारे आपको बैटरी मिलेगी, जो कि एडिप्टिव फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो कि एक अच्छी बात है। 3700 mAh की बैटरी आराम से आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी, तो बैटरी के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा बैटरी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। लुक काफ़ी अच्छा है फ़ोन का देखने में, लेकिन अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो शायद प्राइस सुन के आपका दिल टूट सकता है। इस फ़ोन का प्राइस रखा है सैमसंग ने 34,990 रुपीज़, मतलब 35,000 रुपीज़ पकड़ के चल लीजिए, 10 रुपये बचा के आप कुछ करने वाले हैं। तो 35,000 रुपीज़ इस फ़ोन की प्राइस रखी है यहाँ पर इंडिया में। तो यार क्या ज़रूरत है इतना प्राइस रखने का यार, आजकल तो 21,000 में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, उससे अच्छे इस पर आपको कम रेंज में मिल जाते हैं। तो यार सैमसंग को क्या बोलूँ। और आप देख रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 660 के लिए कोई 35,000 तो देगा नहीं। लुक काफ़ी अच्छा है, जी हाँ लुक काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी यहाँ पर आपको कमाल की मिलने वाली है, लेकिन एटलीस्ट 28,000-30,000 तक ठीक था, 35,000 कौन रखता है यार। 35,000 में तो आपको OnePlus 6 आ जाएगा, जो कि इससे थोड़ा अच्छा स्मार्टफोन ही है। 845 मिलता है, डुअल कैमरा मिलता है उसमें भी। तो आप लोग बोलेगा कि क्या यार इतना प्राइस ठीक है या फिर नहीं है। मैं तो बोलूँगा जी थोड़ा कम करना चाहते, एटलीस्ट 30,000 तक चल जाता, 35,000 कौन रखता है आज के टाइम में। अब क्या बोलूँ इस स्मार्टफोन के बारे में, फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा डिज़ाइन, मतलब इस फ़ोन का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखने में ये फ़ोन काफ़ी मतलब मस्त लगता है, लेकिन यार प्राइस उतना ही ख़राब लग रहा है देखने में। मैं ये बोलूँगा कुछ दिन आप रुक जाइए, डेफिनेटली इस फ़ोन का प्राइस 1 महीने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये तो सैमसंग प्राइस कट करने ही वाला है, क्योंकि इतना में ये फ़ोन चलेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन हो गया और सैमसंग लग रहा है कि ये कंपटीशन को देख ही नहीं रहा है, बस अपना ही देख के लॉन्च कर रहा है। तो आप लोग भी बताएगा कि आप लोगों का राय क्या है, और सैमसंग को इससे कम में लॉन्च करना ही चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो की जानकारी पहुँच जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।